अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आसिम परवेज़ सो है। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, तो उससे वीडियो जो लिंक है वो डिस्कनेक्ट हो रही है। मैं डॉक्टर आसिम परवेज़ एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसन, डिप्लोमा ऑफ फैमिली ऑफ मेडिसन और मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज जनरल फिजिशियन पार्ट टू। अभी हम कोरोना वायरस के बारे में, पहली वीडियो में मैंने आपको सारा बता दिया, तदाबीर करें और ज़्यादातर सैनिटाइज़र यूज़ करें, हैंड वॉश करें घर पहुँचते ही, और एहतियात ये करें कि घर में सेफ रहें, बाहर मिलजुल ना बिल्कुल बंद कर दें। मैं अभी भी सोशल मीडिया और टेलीविज़न पे देखा है कि लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे, तो एहतियात ज़रूरी है। ये बीमारी फैल रही है और आप अमेरिका का हाल देख लिया है कि वहाँ मौत ज़्यादा हो गई हैं। हालांकि न्यूयॉर्क के अंदर बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ है गवर्नमेंट ने वहाँ की, और सेम हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड किए हैं अभी किट्स और सामान प्रोवाइड किया हुआ है, किटें जितनी भी है बलूचिस्तान को। वहाँ के डॉक्टर कल स्ट्राइक की थी, स्ट्राइक पे पुलिस ने वहाँ शेलिंग की है, वहाँ मारा है, पर ये भी बहुत गलत किया है। एहतियात रखें आप सब मिलकर, और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, गरीबों का जो दिहाड़ी पे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएमडीसी बहाल हो गई है, जितने भी डॉक्टर हैं अपनी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा लें। और अच्छी बात है कि मोहसिन कियानी साहब ने अच्छा फैसला किया, हफीजुद्दीन साहब एक ऑनेस्ट पर्सन है पीएमडीसी के, और वो पीएमडीसी बहाल हो गई। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम भेजे दी इम्यूनिटी सिस्टम इज मेड ऑफ स्पेशली ऑर्गन सेल एंड केमिकल दी फाइट इन्फेक्शन मिक्रो। तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो है डाइट के ऊपर। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है तो लेस देन हमारे इम्यूनिटी अगर डाउन रहेगी तो कोरोना वायरस उस पर जल्दी अटैक करता है लोग बंदे पे। तो एहतियात यही है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, फ्रूट्स इस्तेमाल करें, मिनरल इस्तेमाल करें, घर के अंदर सब्जियां, वेजिटेबल्स जो भी आपकी वाइफ आपको बना के दें वो आप टाइम पे खाएं। जितना अच्छी इम्यूनिटी रखेंगे, ये मिक्रोब हो, बैक्टीरिया, वायरल जो भी इन्फेक्शन है उससे आप बचते रहेंगे। और ज़्यादातर आप अपने मिनरल्स का भी ख्याल रखें। आप आजकल जो वहाँ गर्मी पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में पड़ रही है, उससे ये होता है कि डिहाइड्रेशन का भी ज़्यादा केसेस आ जाते हैं। और अगर 40 टेम्परेचर है या 43 गया तो उससे बेहतर कि डिहाइड्रेशन होती है, उससे ये आप नींबू पानी यूज़ कर सकते हैं। और ये तो एक छोटा सा मैं आपको टोटका नींबू पानी का बताया, और घर में आप जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़ी बात है शुगर वालों की, शुगर वालों के लिए मेन चीज़ है आप अपनी डाइटरी चार्ट को प्रोफाइल कर दें कि यही चीज़ खानी है, और डॉक्टर से मशवरा रखना है। ज़्यादातर हमारे अभी थोड़े दिन, दो दिन ही हुए हैं, हमारा एक डॉक्टर साहब, उनकी वालदा साहिबा यहाँ थोड़ी सी ना फ्रेंट हो गई एकदम, उनकी भी यही प्रॉब्लम थी कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं था, ना उनके घर के अंदर कोई ऐसा को उनको डाइटरी चार्ट नहीं बताया गया कि आपने ये फल फ्रूट खाना है, ये सब्ज़ी खानी है। और ज़्यादातर खुदा रहा कोशिश करें जो भी आपके घर के अंदर डायबिटीज़ पेशेंट है ना, उनको केयर से देखें, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर कार्डिक इश्यूज ज़्यादा हैं। साइलेंस एमआई हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया, तो कार्डिक अरेस्ट हो गया, डेथ हो जाती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने शुगर के मरीजों का भी ख्याल रखें, उनकी अच्छी इम्यूनिटी रखें, उनके अंदर कोई वायरल असर ना कर पाए। और रही कोरोना वायरस की बात, उसके ऊपर 100% रिसर्च की है यूएसए ने, पेलेसेवेनिया से की हुई है, पेलेसेवेनिया स्टेट हॉस्पिटल से की है डॉक्टर बोरन ने। उन्होंने कहा है कि ये एनवायरमेंटल में है, और ये वायरस एनवायरमेंटल में मौजूद है और हवा के अंदर है। और सेम यही स्ट्रीट मैनचेस्टर एनएचएस हॉस्पिटल के साइंटिस्ट ने भी यही कहा है कि ये वायरल
कोरोना वायरस ये हवा में मौजूद है, इसलिए आबहवा जो इस वक्त क्लाइमेट पूरी दुनिया का चेंज हुआ है, तो उसकी ये स्टार्टिंग इन वुहान, और ये बात 100% सही है। तो इसलिए फूड सप्लीमेंट अच्छा रखेंगे तो ये वायरस आप पे अटैक नहीं करेगा। अगर आप अपनी इम्यूनिटी डाउन रखें तो फ्लू कफ और डायग्नोसिस ये चीज़ें अगर आप में हो गई तो आपको फिर क्वारंटीना पे जाना पड़ेगा। इसलिए क्वारंटीना से बचने के लिए बेहतर है, मेरा मशवरा ये है कि आप घरों के अंदर रहें, इबादत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस मूजी मर्ज से पूरी दुनिया को आज़ादी हमें मिल जाए। इस वक्त जितनी हम बात USA के अंदर हैं, बरतानिया के अंदर हैं, इटली के अंदर हुई हैं, वो भी इंसान हैं, स्पेन के अंदर हुई हैं, वो भी एक इंसान है। उसका ये मकसद नहीं है कि हम उन लोगों को भूल जाएं। उन्होंने भी अच्छे हॉस्पिटल वहाँ बनाए हैं, अच्छी केयर कर रहे हैं, और साथ में हमारे पाकिस्तान के अंदर भी डॉक्टर बहुत कुछ अवेयरनेस दे रहे हैं मरीज़ों को, पर मरीज़ अवेयरनेस से लेने से बेहतर सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी को कम करें, इबादत करें, अल्लाह ताला हमें इस मूजी मर्ज से जान छुड़वाए, और अपनी इम्यूनिटी, जितनी आप इम्यूनिटी अच्छी करेंगे आप बीमार नहीं रहेंगे। जिसमें पहली बात तो आप फ्रूट, अगर लो तबके के लोग हैं तो जितने भी आपके आसपास मोहल्ले में गरीब लोग हैं, प्लीज़ उनकी आपको राशन दें, उनकी मदद करें। इस वक्त दिहाड़ी वाले बहुत लोग हैं, मैं दोबारा इस वीडियो में कह रहा हूँ। और तीसरी बात ये है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, घर के अंदर रोटी बनाएं, बाहर से कोई चीज़ नहीं लें, बाहर से जो भी पका रहे हैं होटलों में इस वक्त खुले हुए हैं उनसे आप दूर रहें उन चीज़ों से। और फास्ट फूड तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आप देखें यूरोपियन कंट्री ने फास्ट फूड पे ध्यान दिया, उनका इम्यूनिटी है ही नहीं, वो काज ऑफ डेथ देखें आप USA के अंदर कितनी है। और ये सेम बरतानिया में, सेम स्पेन में, सेम इटली में, उन्होंने अपना इम्यूनिटी सिस्टम बहाल ही नहीं रखा, वो पेप्सी पे और ब्रोस्ट पे ज़िंदगी गुजारी है और पिज़्ज़ा पे ज़िंदगी गुजारी है। अगर आप अपनी डाइट घर के अंदर बनवा रहे हैं अपने घर की चीज़ें खाएं, उससे आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और आप खुशहाल रहेंगे। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि कोई मिक्रोब, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आप पे अटैक नहीं करेगा। आपके टी लिम्फोसाइट भी नॉर्मल रहेंगे, आपकी स्प्लीन भी नॉर्मल रहेगी, आपके थम्स भी नॉर्मल रहेंगे, आपके रिसेप्टर भी बहुत काम करेंगे और डिफेक्ट नहीं होगा कोई भी इन्फेक्शन। ये इम्यूनिटी हमारी है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, उसका मेरे कहने का मकसद है आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, टॉक्सिन नहीं करें, एंटीबॉडीज ना बने अंदर। जब आपका ये डाउन हो जाता है इम्यूनिटी सिस्टम तो एकदम आप पे बैक्टीरिया वायरस अटैक कर देता है। तो उससे बेहतर है कोरोना वायरस में हम सबसे जो आज का टॉपिक है वो है इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना। तो इस टॉपिक को आप देखें और मेरी वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। मेरे जितने भी अहबाब मुझे इस वक्त डॉक्टर रिजवान भी देख रहे हैं, डॉक्टर दीनी चौधरी भी हमारे साथ ऑनलाइन हैं, और इंशाल्लाह हमारा यही है कि हम कंबाइन लाइव जितने भी मेरे डॉक्टर हैं लाइव आपको लम्हा सोशल मीडिया, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैसेज देते रहेंगे। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, अपनी इम्यूनिटी आपके हाथ में है और उससे बढ़कर कोई बात नहीं है। कोई वायरल, कोई बैक्टीरिया आप पे कभी अटैक नहीं कर सकता। इम्यूनिटी अच्छी रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दें इस वक्त, अपनी वाइफ को ज़्यादा टाइम दें, और ज़्यादातर बाहर के मिलन से दूर रहें। बाहर भी अब मैं भी यहाँ वीडियो एक देखिए, वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान से साहिवाल से थी, कुछ लोग जो है ना वहाँ इकट्ठे हो गए, उन्होंने पुलिस वालों ने उनको समझाने की कोशिश की भाई आप घर जाओ।
जब आपको गवर्नमेंट ने हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है, किट प्रोवाइड हैं, आपको सैनिटाइज़र यूज़ करने को मिल रहे हैं हॉस्पिटलों में, आप चेक करवा सकते हैं। अगर किसी को भी थोड़े सिम्टम हैं, आप बिल्ला झिझक पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट करवा सकते हैं। और पूरे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पूरी कम्युनिटी इस वक्त आपके साथ खड़ी है, पूरी आवाम के साथ खड़ी है। इस जंग में हम इस कोरोना वायरस को ख़त्म करेंगे, पर इम्यूनिटी सिस्टम से। दूसरी बात, अब जो ट्रीटमेंट चाइना ने की है वुहान में, उन्होंने वाइट ब्लड सेल लगाए हैं। तो खुदा रहा, हमारे थैलेसीमिया के मरीज हैं पाकिस्तान में, जितना हो सके ब्लड डोनेट करें, उनकी जान बचाएं, फातिमिया में जाएं, जो भी इदारे हैं हमारे थैलेसीमिया के लिए, इदारे पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, साहिवाल में, गुजरात में, खानेवाल में, कहीं भी हैं, उनकी मदद करें, ब्लड डोनेट करें। जितना ब्लड डोनेट करेंगे उतना अल्लाह ताला आपको बहुत देगा, सवाब मिलेगा आपको। जितने मुसलमान भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, हिंदू भाई हैं, आप ब्लड डोनेट दें, क्योंकि हमारे थैलेसीमिया का जो लेवल है बच्चों का, वो हाई लेवल है। हमारे थैलेसीमिया के बहुत बच्चे वहाँ सेंटरों में जाते हैं, ब्लड उनको नहीं मिलता, इनको ए नेगेटिव नहीं मिलता, बी नेगेटिव नहीं मिलता। खुदा रहा, आप सब मिलकर ब्लड डोनेट करें और अपनी इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, आबाब हैं, मुझे फेसबुक पे ज्वाइन किया हुआ है, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं और इस वीडियो को आप आगे दोस्तों तक पहुँचाएँ और ब्लड डोनेट प्रोग्राम में हमारा साथ दें। मैं अगली वीडियो में, हमारा यही है कि हम ब्लड डोनेट के बारे में बताएं आपको, और फातिमिया और ईदी सेंटर वालों के साथ आप आ जाएं। ईदी सेंटर में भी एक ब्लड बैंक है, वहाँ भी आप जमा करा सकते हैं, और ऑनलाइन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फंडिंग शुरू की है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और प्राइम मिनिस्टर का साथ दें। बाकी जो ये करप्शन के केसेस हैं, इनको आपके FIA, आपके इदारे देख रहे हैं, अल्लाह ताला इनको भी समझ दे। इन्होंने अरबों रुपए का घपला किया हुआ है चीनी के और आटे के, उसमें तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और हम सब मिलकर पाकिस्तानी इस करप्शन मूदी मर्द को भी खुद ही निकाल सकते हैं। हुकूमत इस वक्त हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। जाते जाते मेरी सब दोस्तों को सलाम, दुआओं में याद करें, ब्लड डोनेट करें, मदद करें लोगों की। हमारे थैलेसीमिया के बहुत बच्चे वहाँ, उनके माँ बाप बहुत परेशान हैं। लाहौर में फातिमिया सेंटर है, गुलबर्ग में, कराची में हैं, MA जना रोड पे। तो आप उनको ब्लड डोनेट करें, वो थैलेसीमिया वाले बच्चों को लगाएंगे, क्योंकि इस वक्त शॉर्टेज हो गई है ब्लड की। और अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, फल फ्रूट खाएं, कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वबा कंट्रोल में आ जाएगी जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा। और मेरी डॉक्टरों से ये है कि ट्रीटमेंट में आप जो ट्रीटमेंट कोरोना वायरस की हो रही है, जो वुहान में हुई है, वो सेम अपने मुल्क में अप्लाई करके देखें, इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को सलाम, दुआओं में याद। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, और सब दोस्तों की मुझे दुआएं हैं। आज थोड़ा सा टाइम लेट हुआ हूं मैं, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से। दुआओं में याद करिएगा। अस्सलामु अलैकुम।